नमस्कार दोस्तों, हमें बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। इससे आपको धन दौलत की हानि होती है, बल्कि मानसिक शारीरिक नुकसान भी होता है। आइए जानते हैं हमारे हिंदू शास्त्र क्या बताते हैं। एक, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पितृ दोष भी लग सकता है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे मृत पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, जो पितृ दोष का कारण बन जाता है। वही पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है, ऐसे में निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना ही समझा जाता है। अगर आप भी निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो इस आदत को आज ही बदलें, इससे आपको पितृ दोष लग सकता है। दो, बिना कपड़ों के स्नान करने से शरीर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। साथ ही इससे माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए नहाने समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें। तीन, कई लोग इसलिए भी निर्वस्त्र होकर नहाते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर आपको हर स्थान पर देख सकते हैं। ऐसा करना वरुण देवता का अपमान समझा जाता है, इससे वह रुष्ट होते हैं और आपको पाप लग सकता है, जिससे आपको संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के नियम के पीछे एक पौराणिक कथा भी मौजूद है। जब गोपियां सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तभी श्री कृष्ण ने उसके वस्त्रों का हरण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने वस्त्रों को छिपा दिया। जब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने के लिए कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, तब उन्होंने समझाया कि बिना वस्त्रों के स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। इसके बाद सभी गोपियों ने कृष्ण जी की बात मान ली। ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्योतिषी पूजा पाठ कुंडली वास्तु की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।